एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, अपने इस चैनल का नाम है दया मैथ्स एनालिसिस। इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो कॉन्सेप्ट जो लेकर के आया हूं वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का है और आज पार्ट टू का लेक्चर है। तो पार्ट टू के इस लेक्चर में हम लोग जो है स्टोरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे जो कि लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। अगर आपको इसे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आपको नहीं पता है कि कैसे करते हैं, समटाइम्स होता क्या है कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्टोरी प्रॉब्लम समझ में आता नहीं, तो जब समझ में नहीं आए तो आप करेंगे कैसे। तो इसके लिए इस वीडियोस को कम्प्लीटली देखिए और वीडियोस का कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कॉन्सेप्ट को। तो आज का जो ये लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल का जो क्वेश्चन जो है यह फ्रैक्शनल नंबर पे है। ये अब क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि उसी के बेस पे आप इसका सोल्यूशन देंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि इन अ फ्रैक्शन, यानी एक फ्रैक्शन है, ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर का आप क्या कर रहे हैं, ट्वाइस कर रहे हैं। और यहाँ जो वर्ड टू जो ट्वाइस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है दो गुना करना। यानी जब आप न्यूमरेटर का दो गुना कर देते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, इज टू मोर, मोर का मतलब होता है ज्यादा। यानी न्यूमरेटर का ट्वाइस कर देने से जो रिजल्ट आएगा वो टू मोर देन तो होगा, लेकिन किससे हो जाएगा, डिनोमिनेटर से हो जाएगा। यहां देखिए टू मोर देन द डिनोमिनेटर, यानी जब न्यूमरेटर का आप ट्वाइस कर देंगे तो जो रिजल्ट होगा वो डिनोमिनेटर से दो ज्यादा हो जाएगा। और ये जो था इस स्टोरी प्रॉब्लम का पहला पार्ट था, और यहां से जो है इस स्टोरी प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट यहां से शुरू हो रहा है। इसमें यह दिया गया है कि इफ थ्री इज एडेड, टू न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, यानी जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप थ्री ऐड कर दोगे तो जो रिजल्ट होगा उसका जो नया फ्रैक्शन बनेगा तो उसमें क्या होगा, रिजल्ट जो होगा वो टू बाई थ्री हो जाएगा। लेकिन ये बनेगा कब, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थ्री ऐड करेंगे तब ये नया फ्रैक्शन आपको मिलेगा। अब लास्ट में जो पोर्शन यह गया पूछा जा रहा है कि आगे फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी वो ओरिजिनल फ्रैक्शन है क्या। साथ में आपको यह भी देखना है कि जो आपने आंसर जो दिया है क्या वो सही है कि नहीं है, यानी अपने आपको आपके आंसर को चेक भी करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को लगाना है। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन तो पता है नहीं, और चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बात हो रही है तो इट मे भी हो सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो डिफरेंट रिजल्ट हो सकते हैं। और आपको मैंने बताया भी था कि जब भी हमें कोई श्योर रिजल्ट नहीं पता होता है तो उसकी जगह पे हम कोई भी एलजेब्रिक कैरेक्टर ले सकते हैं। अब एलजेब्रिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, ए टू जेड कोई भी रिजल्ट ले सकते हो। तो सबसे पहले आप ये मान के चलो, यहां मान लो लिख करके कि न्यूमरेटर जो है एक्स है और डिनोमिनेटर क्या है, वाई है। मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर की जगह पे आप एक्स मान लो और डिनोमिनेटर की जगह पे वाई मान लो। अब जैसा कि पहला जो स्टेटमेंट है, पहले मैं इसको मैं लिख दे रहा हूं मैं, और फिर उसको मैं बना के बता रहा हूं कि कैसे करना है। आप यहां पे पहली लाइन लिख लो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन, उसको मैं मेंशन कर रहा हूं मैं। देखो यहां दिया गया क्या, ट्वाइस द न्यूमरेटर, टू मोर देन डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर। तो अब यहां पे देखो, आप यहां दिया गया ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो इसको यहां से और यहां तक की जो लाइन जो दी गई है इसको आप मान लो पहला पार्ट, और जो इसमें आपको जो इज दिख रहा है इसको मान लो सेकंड पार्ट। यानी जब इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको दिखे तो आप उसको सेकंड पार्ट मान लीजिए। अब यहां दिया गया टू मोर देन, इसको मान लो थर्ड पार्ट, और दिया गया क्या द डिनोमिनेटर, इसको मान लो फोर्थ पार्ट। तो अगर आपको इक्वेशन बनाना नहीं आता है तो इसको आप कंप्लीटली देखो, उम्मीद करता हूं आप जरूर सीखोगे। अब यहां देखो ट्वाइस द न्यूमरेटर, तो मान लो न्यूमरेटर के लिए हमने क्या लिया, कैपिटल एन ले लिया, और दिया गया है क्या न्यूमरेटर का ट्वाइस, तो यहां ट्वाइस का मतलब टू टाइम्स, तो टाइम्स के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। तो ये हो गया न्यूमरेटर का ट्वाइस, और ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद से देखो यहां पे इज दिया गया है, तो इज के लिए लगा लो इक्वल का साइन,
जो कि आपने दूसरा पार्ट अपने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ दिया गया क्या है, टू मोर, तो मोर का मतलब होता है ज्यादा, तो ज्यादा के लिए हम लोग यूज करेंगे प्लस का साइन, तो टू मोर हो गया, तो यहाँ पे प्लस टू लगा देंगे तो ये तीसरा पार्ट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन दिया गया क्या, किससे ये हो रहा है, ये हो रहा है डिनोमिनेटर से, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डी लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखो कि आपने क्या किया था, न्यूमिनेटर की जगह पे वैल्यू एक्स लिया है, डिनोमिनेटर की जगह पे वैल्यू वाई लिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमिनेटर की जगह पे एक्स कर लेंगे, तो एक्स का मल्टीप्लाई टू से हो जाएगा तो क्या होगा, टू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर की जगह पे देख लो यहाँ पे वैल्यू वाई हमने रखी हुई है, मतलब वैल्यू नहीं सुनते, मतलब वेरिएबल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे जो है डी की जगह पे वाई यूज कर लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन ये मिल जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस टू, यानी पहला इक्वेशन आपने क्या किया, रेडी कर लिया है। अगर यहाँ पे क्या कर रहे हो कि अगर इस वेरिएबल को हम शिफ्ट कर दें, इस साइड में ला दें, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू, यानी इक्वेशन नंबर वन आपने रेडी कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरी लाइन जो कही गई है कि इफ थ्री इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अब यहां पे देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड लाइन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लाइन, अब यहां दिया गया क्या कि ये जो थ्री ऐड हुआ है वो किसमें ऐड हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि हमारे पास फ्रैक्शन था क्या, एक्स अपॉन वाई था, तो हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर में भी थ्री ऐड कर दिया और साथ में डिनोमिनेटर में भी थ्री ऐड कर दिया। अब ऐड करने से जो रिजल्ट, यानी जो नया जो फ्रैक्शन बनना है, वो नया फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, टू बाई थ्री के इक्वल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टू बाई थ्री डाल देना है। अब इसके बाद से हम लोग को क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब यह हुआ कि 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 से करना है और y प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो कैसे लिखोगे, यहां से देख लो आप, 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई किससे करना है, y प्लस 3 से करना है। अब यहां देखो यहां पे चेक कर लो कि रिजल्ट क्या बना, 3 में x का मल्टीप्लाई 3x, 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9 और 2 में y का मल्टीप्लाई 2y और 2 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ 6, यानी अगर इसको रिजल्ट जो है बनाते भी हो तो क्या बनता है, अगर 2y को इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9 को शिफ्ट करना होगा, क्योंकि अगर एक साइड में आप वेरिएबल ला रहे हो, करना क्या है कि इक्वेशन में वेरिएबल को एक साइड करो, कॉन्सेप्ट को एक साइड में कर दो, तो इस 2y को अगर हम इधर लाते हैं तो ये 2y जो है किस में चला जाएगा, माइनस में, और 9 की वैल्यू को जब ट्रांसफर करोगे तो ये जो है माइनस 9 प्लस 6 हो जाएगा, और फाइनली जो रिजल्ट बनेगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये जो है इक्वेशन नंबर 2 आपका रेडी हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस साइड में जो हमें दो इक्वेशंस मिले हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ले लेंगे, तो पहला इक्वेशन आप देख रहे हो कि यहाँ दिया गया है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, आपको मिला था 2 मिला था रियल, ये था इक्वेशन नंबर 1। और जो दूसरा इक्वेशन जो मिल रहा है, ये इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा नजर डालना तो आपको एक चीज मिलेगी कि आप देख रहे हो कि जो भी आपके पास दो अननोन कैरेक्टर्स हैं एक्स और वाई के फॉर्मेट में, तो आपको करना क्या होगा, किसी एक इक्वेशन को लेकर के किसी एक टर्म को बराबर करना है, यानी आप तो या आप कर सकते हैं या तो आप एक्स वाई टर्म को इक्वल कर लो या तो वाई वाई टर्म को इक्वल कर लो। सपोज करो कि अगर मान लो कि अगर यहाँ पे माइनस टू वाई है और यहाँ पे भी हम माइनस टू वाई कर दें तो देखो रियल क्या होगा, यानी किसी एक को बराबर करो या तो y वाले टर्म्स को या तो x वाले टर्म को, तो उसके लिए अगर मान लो कि हम y वाले टर्म्स को इक्वल करते हैं तो हमें इस पहले वाली इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन ध्यान रखना कि जो पहले इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई इसके सभी पार्टों में होगा, तो देखो क्या बनना है, अगर आपने 2 का मल्टीप्लाई करिए इसमें 2x में तो आपको मिलेगा 4x, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे माइनस वाई में तो माइनस 2y मिल जाएगा,
और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो मिल जाएगा 4। और यहां जो रिजल्ट मिला था क्या, 3x - 2y = -3। अब हम इस क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करें, तो चूंकि आपने मल्टीप्लाई किया है तो मान लो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया और ये इक्वेशन नंबर 2 आपका पहले से था यहाँ पे। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें क्या करना है कि किसी भी एक टर्म को हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करना होगा, या तो आपको एडिशन करना होगा या तो आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ चूंकि -2y दिया गया है, तो अगर यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो जानते क्या होगा, इन दो माइनस का आपस में मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि इनके साइन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी जहां पहले -2y था ऊपर, सॉरी ऊपर तो -2y है, लेकिन जैसे ही नीचे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि जो नीचे वाले का जो साइन होगा, एक बार बता दे रहा हूं दोबारा आप ध्यान समझो इसको, अगर मैं माइनस करूंगा तो हर जगह माइनस करना होगा, ऐसे समझ लो आप। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे होगे। देखो 4x में 3x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा x, गॉट इट। अब यहां पे देखो कि माइनस है और यहां माइनस है, तो इन दो माइनस में आपस में क्या होगा, इनटू होगा। और ये दिमाग में याद रखना कि कभी भी जब दो सेम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसका रिजल्ट बन जाता है प्लस में। तो यहां देखो नीचे भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, प्लस में कन्वर्ट होगा, तो ये हो गया प्लस का साइन। अब ये देखो ऊपर का रिजल्ट और नीचे का रिजल्ट एक दूसरे का एडिटिव नोट्स बन जाएगा, इसमें क्या होगा ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी। अब यहां देखो यहां भी क्या होगा कि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट प्लस में हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि नीचे जो वैल्यू जो 3 जो दी गई है वो -3 है, नहीं, अब ये +3 में कन्वर्ट हो गई है, साइन उसका बदल गया है। कैसे बदला है फिर से समझा दे रहा हूं मैं, यहां पे आपने माइनस किया था और माइनस कर देने से क्या हुआ, -(-) क्या हो गया, प्लस हुआ, यानी इसका साइन बदलेगा, ऊपर वाले का साइन नहीं चेंज होगा। अब इनको आप ऐड करोगे तो 4 और 3 की वैल्यू कितनी हो गई, ऐड करने से बन गई 7। तो यहां पे देखो x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 7 मिल गई है। अब आपको ये पता चल गया कि न्यूमरेटर का जो रिजल्ट है वो तो 7 हो गया है, लेकिन डिनोमिनेटर का रिजल्ट क्या है ये अभी आपको पता करना है। तो यहां पे देखो जहां भी इक्वेशन मैंने बनाया है उस इक्वेशन में लेकर के जब सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मान लो कि मैं पहला इक्वेशन ले रहा हूं, मैं आप कोई भी ले सकते हो, आप इक्वेशन 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ भी लो, आपको एक रिजल्ट पता चल गया है उसकी हेल्प से आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे देखो यहां पे क्या है, पहला जो रिजल्ट दिया गया है इक्वेशन नंबर 2x - y = यहां पे 2 था, और यहां देखो तुम x की वैल्यू निकाल चुके हो, तो यहां पे अगर हम यहां पे x की जगह 7 कर दें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 7 = 14 - y = 2। अगर -y को इधर भेज दें और 2 को इधर लाएं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 14 - 2, और -y उधर चला गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस y में। तो यहां रिजल्ट मिला 12 = y, यानी जो इसमें डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर की वैल्यू 7 मिली और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या मिली, 12 मिली, न्यूमरेटर 7 और डिनोमिनेटर 12। अब आपको क्या करना है कि आपको ये चेक करना है कि क्या आपका ये दिया गया सॉल्यूशन वो सही है कि नहीं है, इट मे भी हो सकता है कि कहीं आपसे फॉल्ट हो जाए, तब आप क्या करोगे, तब आपको चेक करना ये है कि मान के चलते हैं कि यही हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था, हमने पहले ही माना था कि जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था क्या था, x/y था, तो अगर हम इसमें 3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जोड़ दें तो हमें ये रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये सॉल्यूशन क्या है, कंप्लीटली सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसके लिए क्या करिए कि जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था 7/12 जो अभी आप रिजल्ट लाए हो, इसमें क्या करो 3 ऐड कर दो। आप देखो 3 ऐड किए और 3 ऐड कर दिए तो रिजल्ट किस में गया, 10/15 में। आई होप आप इसको समझ रहे होगे, आपने ओरिजिनल फ्रैक्शन का रिजल्ट निकाल लिया है, लेकिन अगर इसमें हम 3 ऐड करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो हमें रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो देखो हमने क्या किया है, न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 3 हमने ऐड किया है, तो रिजल्ट क्या मिला, 10/15 मिला। अब इसी 10/15 को अगर हम सॉल्व करते हैं, छोटा करते हैं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 5 2 = 10 और 5 3 = 15। और देखिए ये आंसर इसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये जो ओवरऑल जो भी कैलकुलेशन किया गया है ये सही सोल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आज मैंने बताया है इसका कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियोस को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।